यदि आपने अपने खेत में लौकी या खीरा लगाया हुआ है या लगाने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं विजय मौर्य आपके अपने YouTube चैनल नंबर वन खेती बाड़ी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लौकी और खीरे के लिए जो हमारे खेत की तैयारी चल रही है, इसमें मिट्टी में हम जो है कंपोस्ट और भी सारी जो खाद आती है, जैसे डाई हो गई, पोटास हो गया, यूरिया हो गया, इसको हम मिला के इसके अंदर पहले गुड़ाई कर दिए हैं। अब देखिए नाली की तैयारी चल रही है, नाली बना दे रहे हैं और जो है इसको काफ़ी अच्छी तरह से नाली बनाएंगे ताकि इसका पानी का निकासी भी सही से हो जाए और पेड़ तक पानी भी लग सके ताकि पेड़ को कोई नुकसान ना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि खेत की तैयारी चल रही है। अब ये जो है खेत की तैयारी अच्छी तरह से कर लिए, क्योंकि सारा पेड़ का प्रोडक्शन जो होता है ये खेत की तैयारी पे ही निर्भर करता है कि मतलब ये कैसे ग्रो करेगा। आप नाली को अच्छी तरह से देख सकते हैं कैसे कैसे बनाया हुआ है, बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरी बनानी है। फिर अपने जो है जो आपने नर्सरी में पौधे डाले हुए थे उसको आप ले आएंगे, फिर एक एक करके देख सकते हैं पेड़ हमारा कितना अच्छा है। इसको जो पहले हम लौकी अगर का वृक्षारोपण करेंगे तो लौकी के पौधे की दूरी से दूरी रहेगी आपका जो है 1.5 से 2 फीट, जैसा कि देख पा रहे हैं कैसे लग रहा है, देख लीजिए। इसको बिल्कुल जो है नाली के ऊपरी सिरे पे लगाना है ताकि ये पानी में डूबे ना, डूबने से पेड़ पानी में डूबने से इसका ग्रो जो है बहुत स्लो हो जाता है। देख पा रहे हैं कि हमने जो खेत में लगा दिया है, इसमें जो है लौकी के पौधे से पौधे की दूरी है 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी है जो है 7 से 8 फीट, क्योंकि इसकी लताएं जो है काफ़ी बड़ी होती हैं। और ये जो अभी आप लगा रहे हैं ये बरसात के सीज़न यानी जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक जो है इसमें से प्रोडक्शन होगा। और जो खीरा की जो है रुपाई जो है 0.5 से 1 फीट की दूरी पर रहता है और नाली से नाली की दूरी है 3 से 4 फीट, क्योंकि इसकी लताएं उतनी बड़ी नहीं हो पाती हैं, इस वजह से जो है ज़्यादा स्पेस देना वो अच्छा नहीं रहेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं नाली के ऊपरी सिरे पर इसको बीचों बीच नहीं लगाएंगे ताकि पानी में डूब जाएगा तो हमारा जो है पेड़ ख़राब हो जाएगा। इसकी रुपाई के बाद जो है इस पर हम थोड़ा सा पावर जेल का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है इसका ग्रो रुके नहीं, उसी हिसाब से जैसे ट्रे में चल रहा था उसी हिसाब से चलता रहे। ट्रे में देख सकते हैं कितनी स्मूथली जो हमारे ट्रे से पौधे निकल रहे हैं, इसको आप पकड़ के इजी खींचेंगे आप वो निकल जाएगा। अपन ड्यूटी के समय मत देखिया लाल चनो छो बनावे इसके बाद जो खेत में लगा देने के बाद तो आज हमार बन गया। इसी नाली विधि से हम इसकी सिंचाई भी करेंगे, आपके सामने अभी दिखाएंगे कैसे इसकी सिंचाई की जाती है। वादा में नहीं रहेगी, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। अगर आप हमारे वीडियो पे या हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम आपको ऐसी ऐसी वीडियो से अवगत करा सकें। देख पा रहे हैं कि पौधा हमारा जो है इसमें मुलझाएगा नहीं, क्योंकि हमारा ट्रे से सीधा आया है खेत में और भी जो है पौध के साथ। देखिए हमारा रोपाई हो गया है, अभी भी देखिए आगे खेत जो है खीरे की चल रही है तैयारी। ऐसे ही नाली बना के ऊपरी सिरे पे लगाएंगे ताकि जो हमारा पेड़ पानी में भीगे ना। देख पा रहे हैं अब खीरे की रुपाई चल रही है, खीरे की रुपाई जो है 0.5 से 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 फीट, कुछ इस प्रकार। अब जो इसकी रुपाई हो गई है अब इसकी सिंचाई के बारे में हम देखेंगे। देखिए सिंचाई हो गया, इसका पेड़ का ग्रो कैसे कर रहा है।
इसको आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं, ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सिंचाई करने से इसका ग्रो कम हो जाएगा। अगर आपको हमारी नर्सरी वाली वीडियो की जानकारी चाहिए तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे लगे पौधों की हल्की सिंचाई करेंगे, ज़्यादा सिंचाई करने से पौधे का ग्रोथ स्लो हो जाता है और हमें स्लो करना नहीं है, इसको फास्ट करना है। बिल्कुल हल्की सिंचाई, कुछ इस प्रकार से सिंचाई करेंगे, देख पा रहे होंगे कितना स्मूथली पानी जो नाली से बाहर नहीं जाना चाहिए। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।